फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना भी इन्होंने बंद की थी, वो भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा आप इसका प्रचार कर दीजिएगा जनसेवा के लिए, कि अगर दिल्ली में किसी का भी एक्सीडेंट होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति वहीं सड़क पे दम तोड़ देता है, कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहता दो कारण से। एक तो उसको लगता है मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा। दूसरा इसलिए कि जिस अस्पताल में लेके जाऊंगा उस अस्पताल वाले कहेंगे पहले इसके पैसे जमा करा, अस्पताल वाले उसको एडमिट नहीं करेंगे। फरिश्ते योजना में हमने कहा भाई उसको नियरेस्ट अस्पताल में भर्ती करा दो, चाहे बड़े से बड़ा 5-स्टार अस्पताल हो, चाहे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, स्कॉट्स, जो भी अस्पताल है, किसी भी अस्पताल में नियरेस्ट में उसको भर्ती करा दो जिसका एक्सीडेंट हो, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक 26,000 लोगों की हम जिंदगियां बचा चुके हैं फरिश्ते स्कीम में। ये स्कीम भी इन लोगों ने बंद कर दी। एक्सीडेंट पीड़ितों को इलाज कराने के लिए दिल्ली सरकार जो फ्री वो देती है, दिल्ली सरकार जो उनका इलाज कराती है, स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी, लेकिन वो स्कीम हमने दोबारा चालू करा दी। इसके अलावा जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, सरकारी अस्पताल में अगर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगर पता चले भाई कोई सर्जरी है, वो सर्जरी आपकी नहीं हो पा रही और एक महीने बाद का टाइम मिल रहा है, आपको कोई टेस्ट है वो टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा, मशीन खराब है, मशीन खाली नहीं है, तो वो सरकारी अस्पताल आपको रिकमेंड करता है प्राइवेट में जाके आप अपना इलाज करा लीजिए, अपनी सर्जरी करा लीजिए, अपनी टेस्ट करा लीजिए, वो सारा फ्री सरकार रीइंबर्स करती है उस अस्पताल को, प्राइवेट अस्पताल वाले आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी थी, इसको भी हमने दोबारा चालू करा दिया। सर, जय भीम योजना जो आपकी है, अब जब आप रिज्यूम कर रहे हैं तो उसका एम्बिट क्या होगा, बेनिफिशियरी कितने ज्यादा नंबर? हम तो चाहते हैं जितने मर्जी बेनिफिशियरी आ जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, सबसे पहला पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए सरकार का। इसमें देयर इज नो लिमिट टू बेनिफिशियरीज। स्कॉलरशिप अमाउंट भी सर कुछ तय कर रहे हैं? स्कॉलरशिप तो 2,500 रुपए स्कॉलरशिप नहीं देते हम, उसका सीधे वो जाए उसमें एडमिशन ले ले कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीधे उसकी फीस रीइंबर्स हो जाती है, उससे पैसे नहीं लिए जाते। पंजाब के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो हैं जा रहे हैं, इससे पहले दिल्ली के टीचर्स को जब बाहर भेजा जा रहा था उसमें काफी अड़चने आई थी। नहीं, पर पंजाब में कोई अड़चने नहीं आ रही, पंजाब फुल गवर्नमेंट है, आप सब लोग मिलकर दिल्ली को भी फुल गवर्नमेंट बनाइए तो ये अड़चने खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना भी इन्होंने बंद की थी, वो भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा आप इसका प्रचार कर दीजिएगा जनसेवा के लिए, कि अगर दिल्ली में किसी का भी एक्सीडेंट होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति वहीं सड़क पे दम तोड़ देता है, कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहता दो कारण से। एक तो उसको लगता है मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा। दूसरा इसलिए कि जिस अस्पताल में लेके जाऊंगा उस अस्पताल वाले कहेंगे पहले इसके पैसे जमा करा, अस्पताल वाले उसको एडमिट नहीं करेंगे। फरिश्ते योजना में हमने कहा भाई उसको नियरेस्ट अस्पताल में भर्ती करा दो, चाहे बड़े से बड़ा 5-स्टार अस्पताल हो, चाहे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, स्कॉट्स, जो भी अस्पताल है, किसी भी अस्पताल में नियरेस्ट में उसको भर्ती करा दो जिसका एक्सीडेंट हो, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक 26,000 लोगों की हम जिंदगियां बचा चुके हैं फरिश्ते स्कीम में। ये स्कीम भी इन लोगों ने बंद कर दी। एक्सीडेंट पीड़ितों को इलाज कराने के लिए दिल्ली सरकार जो फ्री वो देती है, दिल्ली सरकार जो उनका इलाज कराती है, स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी, लेकिन वो स्कीम हमने दोबारा चालू करा दी। इसके अलावा जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, सरकारी अस्पताल में अगर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगर पता चले भाई कोई सर्जरी है वो सर्जरी आपकी नहीं हो पा रही और एक महीने बाद का टाइम मिल रहा है, आपको कोई टेस्ट है वो टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा, मशीन खराब है, मशीन खाली नहीं है, तो वो सरकारी अस्पताल आपको रिकमेंड करता है प्राइवेट में जाके आप अपना इलाज करा लीजिए, अपनी सर्जरी करा लीजिए, अपनी टेस्ट करा लीजिए, वो सारा फ्री सरकार रीइंबर्स करती है उस अस्पताल को, प्राइवेट अस्पताल वाले आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी थी, इसको भी हमने दोबारा चालू करा दिया। सर, जय भीम योजना जो आपकी है, अब जब आप रिज्यूम कर रहे हैं तो उसका एम्बिट क्या होगा, बेनिफिशियरी कितने ज्यादा नंबर? हम तो चाहते हैं जितने मर्जी बेनिफिशियरी आ जाएं,
अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, सबसे पहला पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए सरकार का। इसमें देयर इज नो लिमिट टू बेनिफिशियरीज। स्कॉलरशिप अमाउंट भी सर कुछ तय कर रहे हैं? स्कॉलरशिप तो 2500 रुपए स्कॉलरशिप नहीं देते हम, उसका सीधे वो जाए उसमें एडमिशन ले ले कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीधे उसकी फीस रिइंबर्स हो जाती है, उससे पैसे नहीं लिए जाते। पंजाब के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट जा रहे हैं, इससे पहले दिल्ली के टीचर्स को जब बाहर भेजा जा रहा था उसमें काफी अड़चनें आई थी। नहीं, पर पंजाब में कोई अड़चनें नहीं आ रही, पंजाब फुल गवर्नमेंट है। आप सब लोग मिलकर दिल्ली को भी फुल गवर्नमेंट बनाइए तो ये अड़चनें खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।